हेलो दोस्तों, बढ़ती महंगाई की क्या है वजह और इससे क्या होगा सर, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आपने देखा होगा कि चाहे आप फल सब्जी खरीदने जाएं या किराने का सामान, हर चीज़ की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। आम लोगों का खर्चा चला पाना भी मुश्किल हो गया है। तो जानिए महंगाई क्यों बढ़ रही है। अक्टूबर 2020 को भारत में महंगाई इस तरीके से बढ़ी कि पिछले 6.5 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रोटीन आधारित सामान जैसे अंडे, मांस, मछली, तेल, सब्जियों और दालों की कीमतों के कारण महंगाई 11.07% तक बढ़ चुकी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 4 प्रमुख कारणों से महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया और घर पर रहने और वर्क फ्रॉम होम करने के कारण रोजमर्रा के सामानों की मांग भी बढ़ रही है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर महंगाई बढ़ जाने से आगे क्या होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में आज़ादी के पहली बार तकनीकी मंदी में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र व कर्नाटक में अनियमित बारिश के कारण प्याज की फसल में भी देरी हुई है, जिसके कारण प्याज के दाम बढ़ गए हैं। मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ जैसे खाद्य तेल भी 30% तक महंगे हो गए हैं। ये भी चिंता का एक बड़ा कारण है कि भारत में 70% खाद्य तेल मलेशिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और यूक्रेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीब लोगों को सब्जियों के मुकाबले अंडे सस्ते लग रहे हैं। अब जानने की बात यह आती है कि बढ़ती महंगाई को लेकर क्या वाकई में चिंता होनी चाहिए। भारत में बढ़ती महंगाई का असर सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों पर हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों की सैलरी 10% तक कम हो गई है। तेल का एक टिन जो 6 महीने पहले 1100 रुपये का आता था, अब 1600 रुपये में आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।